रामटेक लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार राजू पारवे यांचा पराभव झाल्यानंतर माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत रामटेक विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार उभा करण्याची मागणी केली आहे. सोबतच भाजप कार्यालय रामटेक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार कृपाल तुमाने यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दावा दावेदारी है. यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, सभी मायने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सही तरीके से यहाँ पर मजबूत है. रामटेक विधानसभा में हम चाहते हैं आने वाले समय पे हमारे भारतीय जनता पार्टी से किसी को भी टिकट मिले तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विजय प्राप्त होगी. और भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में हम लोग थोड़ा कम पड़ गए. कुछ हमारे इतर पार्टी के भी असंतुष्ट लोगों ने अपक्ष उम्मीदवार को मदद की, तब जाकर अपक्ष उम्मीदवार चुनकर आए. और इस बार सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, पर उन सभी पार्टी के उम्मीदवार से सही मायने में कांग्रेस को कोई टक्कर दे सकता है रामटेक में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती. लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को अगर टिकट मिली रहती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कभी विजय नहीं हो सकती थी, कांग्रेस पराजित होना पड़ सकता था. और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे अरविंद जी गजबे, सुधीर पारवी जी, निश्चित तौर पे दोनों में से कोई भी तो विजय घोषित होते, निश्चित तौर पे विजय होते.